पूरे समाज को ईश्वरीय परिवार के एक सूत्र में पिरोना ही सच्ची समाज सेवा है और ब्रह्म कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग ने इसी विजन को लेकर मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। ब्रह्म कुमारी आश्रम को देखने की इच्छा हर समय रहती थी, मन करता था कि इसको, क्योंकि माउंट आबू यदि मैं कहूं तो यदि जाना जाता है हर स्टेट में तो ब्रह्म कुमारी के नाम पर माउंट आबू। और जिन्होंने इस संस्था का शुभारंभ किया, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे प्रकटीकरण इस प्रकार का, और इतने बड़े उद्यमी होते हुए भी सब कुछ छोड़ने के बाद देश और समाज के लिए लग गए, और वो सामने विभूतियां जो हैं उनको भी मैं हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने भी पूरा जीवन उसके बाद जो अपने को लगाया खपाया समाज के लिए, ऐसे ऐसे माताएं बहनें कम उम्र में ही समाज के लिए चल पड़ी, तो समाज सुधारक तो ठीक है, लेकिन पहले स्वयं तो ठीक हो जाए, ये मैंने सीखा। सम्मेलन का शुभारंभ संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी, प्रभा की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी, तीरथ सिंह रावत, अमरावती से आए जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि, प्रभा के उपाध्यक्ष बी के प्रेम भाई, राष्ट्रीय संयोजक बी के अवतार भाई समेत प्रभा के पदाधिकारियों ने किया। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारी आंखें हमारे वश में नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल लेते हैं। तो ये आध्यात्मिकता ये सिखाता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। आज सब समाज दुखी है, अशांत है, हर एक व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। मुझे लगा है कि जब हम सच्चे दिल से कुछ संकल्प करते हैं, जब भी मैं लेक्चर सुनती हूँ बाबा के, कि संकल्प से सिद्धि, मैंने बहुत से लेक्चर में भी ये सुना है शिवानी दीदी, जिसके संकल्प से सिद्धि मिलती है। तो मैं अपना कर्म शुद्धता से और प्रेमता से हमेशा करती आई हूँ। जब मैं इस कारागृह सेवा में आई 2012 से, तब मैंने देखा कि इतनी निगेटिव एनर्जी वहाँ होती है, और उस निगेटिव एनर्जी में अगर हम भी निगेटिवली काम करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा सोचें या फिर ऐसा काम करें जिससे हमें दुआएं मिले। ब्रह्मा कुमारी संस्था भी है, इंस्टीट्यूट भी है, पाठशाला भी है, और हमारा एक परिवार भी है। हम एक परिवार के हैं, हमारे पास दो ही संबंध हैं, पिता परमात्मा और हम उनके बच्चे। यहाँ और गुरुडम नहीं है, न ही कोई डॉगमेटिज्म है। इसके अलावा प्रभाग की अतिरिक्त राष्ट्रीय संयोजिका बीके वंदना बहन, खेल प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मेहरचंद, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, महाराष्ट्र की क्षेत्रीय संयोजिका बीके सीता बहन, दिल्ली की क्षेत्रीय संयोजिका बीके आशा बहन भी उपस्थित रही और लोगों को अध्यात्म के आधार से समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
गुरुग्राम के पालम विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल दीदी ईश्वरीय सेवाओं के चलते स्पेन पहुंची। उनके पहुंचने पर स्पेन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर गेट टुगेदर का आयोजन हुआ, जिसमें 30 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में चर्चा का विषय बियॉन्ड फेयर देयर इज लव रहा। उर्मिल बहन ने बार्सिलोना में भारतीय मूल के लोगों के लिए किया, जिसमें 75 बिजनेस फैमिली शामिल हुए, जो कि बार्सिलोना में भारतीय मूल के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा प्रोग्राम वहां पहली बार हुआ था, जिसे उन्होंने खूब सराहा और राजयोग मेडिटेशन के साप्ताहिक कोर्स करने का वादा भी किया। इसके अलावा स्पेन में रहने वाली बार्सिलोना की फैमिली ने भी बीके उर्मिल दीदी को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आमंत्रित किया। उर्मिल बहन ने वहां पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें व्यस्त जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए छोटे लेकिन कारगर टिप्स दिए। ये सभी कार्यक्रम स्पेन और बार्सिलोना में बीके फैमिली के सहयोग से संपन्न हुए। परमात्मा हमें मौका दे रहे हैं कि पेड़ लगाकर हम प्रकृति माँ के ऋणों का कुछ अंश चुका पाएं, वरना प्रकृति अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। ये बातें यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी शिव अनुराग भवन में कही। दरअसल प्रकृति की रक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम में CSP सिविल लाइन उमेश गुप्ता ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि बिलासपुर वासियों ने जैसे चेतना अभियान को हाथों हाथ लिया है, वैसे ही इस अभियान को भी लेना है। आगे उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बताया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रति कहीं भी सोच समझ कर दें और उसमें किस उद्देश्य से दिया जा रहा है उसका उल्लेख करते दिनांकित हस्ताक्षर अवश्य करें। इससे उनका बैंक अकाउंट खोलने या होटल में ठहरने के लिए दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को मोबाइल थोड़ी देर के लिए भी न दें। सफलता के महीने हर किसी के लिए अलग होते हैं। हम जो टारगेट सेट करते हैं, हो सकता है कि आप दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल हो, लेकिन जब आप खुद तो जब तक खुद नहीं मानते कि हम सक्सेसफुल हैं, तब तक हमारा मन नहीं मानता। वही टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने कहा कि प्रकृति माँ के साथ लौकिक माता पिता के प्रति भी स्नेह एवं श्रद्धा का मजबूत रिश्ता रखें। परमात्मा भी ऐसे बच्चों पर न्योछावर होते हैं। कार्यक्रम में लगभग 400 पेड़ लगाने वाले इंद्रजीत सोहल का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में ASI उमाशंकर पांडे, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ओम प्रकाश समेत कई अतिथि उपस्थित रहे, जिनका बीके बहनों ने ईश्वरीय सौगात और प्रसाद देकर सम्मान किया। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में एजुकेशन विंग द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर से आए शिक्षा प्रभाग के सदस्य बीके मुकेश भाई और बीके चित्रा बहन 200 बीके भाई बहनों को नई तकनीक और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराने का प्रशिक्षण दिया। यह पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू दीदी की उपस्थिति में हुआ। ग्वालियर में लश्कर सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद भाई समेत लगभग 35 सदस्यों ने गांधी उद्यान में नगर निगम द्वारा आयोजित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लगभग 105 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण के लिए मुख्य रूप से पधारे ग्वालियर के संभाग आयुक्त मनोज खत्री, नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, अपर आयुक्त विजयराज, वार्ड पार्षद अर्पणा पाटिल, वार्ड ZO विपिन दुबे उपस्थित रहे। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आप सबसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।